हेलो दोस्तों, आज आपके डिमांड पे हम ये पर्स लेकर आए हैं जो इसे हम दो भाग में बनाएंगे। काफ़ी प्यारा पर्स है और ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, 6 कलर के ऊन से इसे हम पूरा बुनकर कंप्लीट किए हुए हैं। काफ़ी खूबसूरत पर्स है, तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो फिर चलिए हम सबसे पहले ये बनाएंगे, पूरी गोलाई में दो भाग में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले इस तरह से 3 चेन लेंगे, एक दो तीन। 3 चेन लेने के बाद अब इस पे हम 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे 15 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। अब इस ऊन को हम टाइट करेंगे, यहाँ पे देखिए इस तरह से टाइट करेंगे। बाद में यहाँ पे हम एक नोट लगा लेंगे, इसे यहाँ लाकर जोड़ेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, 3 चेन ले लिए। अब ये प्रत्येक में से हम डबल करते चले जाएंगे, एक डबल क्रोशिया से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और फिर एक चेन से एक और, देखिए इस तरीके से। तो इस तरह से हम इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेते हैं इस तरीके से। तो देखिए इस तरह से दूसरा लाइन यहाँ पे हम कंप्लीट किए और इसे जोड़ लिए। जोड़ने के बाद हम 3 चेन यहाँ पे ले चुके हैं। अब फिर से यहाँ हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन से एक और फिर इसी चेन से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। अब दो हम एक एक चेन से एक एक बनाएंगे, एक और ये रहा 2 डबल क्रोशिया हम अलग अलग चेन से बनाएं। अब फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, फिर से 2 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया, एक और ये दूसरी चेन से 2 डबल क्रोशिया। अब फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, एक और ये रहा 2। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ अलग अलग चेन से 2 बार बनाए, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, यानी कि 2 बीच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए। इसे हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम 3 बीच करेंगे। अभी जैसे हम यहाँ 2 बीच किए हैं, तो इसके बाद हम 3 बीच करेंगे, फिर 4 बीच करेंगे, फिर 5 बीच करेंगे। इस तरह से हम इसमें, ये तीसरा लाइन हुआ, चौथा पाँचवा आगे हम बनाते चले जाएंगे। तो चलिए हम इस तरह से इसे बनाकर कंप्लीट करते हैं। जैसे कि अभी हम 2 बीच किए हैं, अगला लाइन में हम 3 बीच करेंगे, उसके बाद 4, उसके बाद 5, इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा एक लाइन यहाँ कंप्लीट हो गया। अब अगली लाइन में देखिए हम किस तरह से बनाएंगे। इसे यहाँ लाकर जोड़ लेंगे और 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद एक चेन से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। स्टार्टिंग का जो पहला चेन है, इससे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद यहाँ 2 हम बीच किए थे, अभी हम 3 बीच करेंगे, एक दो और ये रहा 3। 3 बीच किए, अब हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, फिर से 3 बीच करेंगे,
एक दो तीन, फिर से एक चेन से दो डबल क्रोशिया, एक दो। तो देखिए पहला लाइन में हम दो बीच किए, एक एक दो, दूसरा लाइन में हम तीन बीच किए, एक दो तीन, चौथा लाइन में हम चार बीच करेंगे, फिर पांच बीच करेंगे। तो इस तरह से हम इसे छह लाइन में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अभी हमारा है एक दो तीन चार, दो लाइन और बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पे छह लाइन कंप्लीट किए, एक दो तीन चार पाँच छः। एक बार और यहाँ पे हम आप लोगों को बतला दें, ये हम 15 यहाँ पे डबल क्रोशिया लिए थे, 15 के बाद प्रत्येक एक चेन से दो दो डबल क्रोशिया करते हुए हम दूसरा लाइन कंप्लीट किए, और तीसरा लाइन में हम देखिए यहाँ पे दो बीच करते हुए एक चेन से दो डबल क्रोशिया बनाए, और चौथा लाइन में हम तीन बीच किए हैं, देखिए यहाँ पे दो डबल क्रोशिया है, फिर एक दो तीन, तीन बीच किए और दो डबल क्रोशिया बनाए। पाँचवा लाइन में हम एक दो तीन चार, चार बीच किए और एक चेन से दो डबल क्रोशिया बनाए। अच्छा, छठा लाइन में देखिए हम यहाँ पे क्या किए हैं, तीन तीन पाँच, तीन दो पाँच, एक, हाँ इस पे भी हम पाँच बीच किए। देखिए ये देखिए यहाँ पे एक डबल, एक चेन से दो डबल क्रोशिया है, इसके बाद एक दो तीन चार पाँच, फिर यहाँ पे एक चेन से दो डबल क्रोशिया है। तो इस तरह से देख लीजिए आप, इस तरह से हम इसे बनाकर कंप्लीट किए। अब हम कलर यहाँ पे ये लगाएंगे, कलर चेंज करेंगे। तो कलर जो हम चेंज करेंगे उस पर देखिए हमें किस तरह से बुनना है, एक बार यहाँ पे हम समझ लेते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि हम ये दो पीस में तैयार कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को बतलाएं कि इसे हमें दो पीस में तैयार करना है, तो अगर दोनों आप साथ में करेंगी तो आपका कहीं भी कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। तो देखिए इसमें जब हम कलर यहाँ पे चेंज किए, तो चेंज करने के बाद यहाँ देखिए हम तीन हम यहाँ पे बीच किए हैं डबल क्रोशिया। देखिए एक चेन से दो डबल क्रोशिया, एक दो तीन, फिर यहाँ पे एक चेन से दो डबल क्रोशिया। ये हम ये पहला लाइन में कंप्लीट किए हैं, पहला लाइन में, और दूसरा लाइन में हम देखिए यहाँ पे चार बीच किए हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे एक चेन से दो डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार, ये हमें चार लाइन में बनाना है। देख रही हैं आप यहाँ एक दो तीन चार, तो चार लाइन में बनाना है। तो ये पहला हम तीन बीच किए, दूसरा चार बीच किए, तीसरा पाँच बीच करेंगे और चौथा छः बीच करेंगे हम, और इस तरह से बना लेंगे। तो ये तो काफ़ी आसान है, फिर भी हम चलिए यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ने बतला देते हैं आप लोगों को किस तरह से जोड़ेंगे। और ये बनाना तो काफ़ी आसान है, जैसा कि हम इसमें बताए हुए हैं आपको कितना बीच करना है, उस तरह से हम यहाँ बीच करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम किसी भी स्थान से आप ले लीजिए, चलिए हम इसी स्थान से ले लेते हैं। तो यहाँ जब हम जोड़ेंगे तो देखिए, जब हम यहाँ कलर चेंज करेंगे तो हमें किस तरह से बुनना होगा। एक दो तीन, तीन चेन ले लिए, तीन चेन लेने के बाद अब हमें जब हम कलर चेंज करेंगे, जब भी कलर चेंज करेंगे तो हमें दो डबल क्रोशिया के बीचों बीच से इस तरह से फंदे को लेना होगा और डबल क्रोशिया बनाना होगा। तो यहाँ हम एक से दो बना लिए, अब फिर से हम एक, ये दो और ये तीन, देखिए तीनों हम यहाँ डबल क्रोशिया के बीचों बीच से लिए हुए हैं, इसके ऊपर से नहीं लिए, यानी कि हम इस चेन से नहीं लिए हैं, बीचों बीच से लिए हुए हैं। अब ये तीन हो गया हमारा, यहाँ दो डबल क्रोशिया है, यहाँ तीन हो गया। अब हम एक डबल, एक जगह से हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया और ये रहा एक डबल क्रोशिया, तो दो हो गया। फिर हम तीन बनाएंगे, ये रहा एक, दूसरा भी बनाएंगे और ये तीसरा भी बनाएंगे। इसके बाद फिर हम यहाँ से एक, एक से दो डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, देखिए इस तरह से। तो देखिए इस तरह से जब हम कलर चेंज करेंगे तो हमें कहाँ से इसे लेना है, किस स्थान से लेना है, बीचों बीच से लेना है इस स्थान से, और लेकर इसे हम बना लेंगे। तीन यहाँ अभी हम बीच किए हैं, अगली बार में चार बीच करेंगे, फिर पांच बीच करेंगे, फिर छह बीच करेंगे। तो चलिए हम दोनों में इस तरह से, इसमें और इसमें दोनों में, ये देखिए हमारा यहाँ तीसरा लाइन चल रहा है, तो दोनों में हम चार लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें भी चार लाइन बनाएंगे, इसमें भी चार लाइन बनाएंगे। तरीका वही है, पहला हम तीन बीच करेंगे, दूसरा चार और तीसरा पाँच और चौथा छः बीच करेंगे। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से। देखिए इसे दो भाग में हम तैयार किए, ये एक भाग है, ये एक भाग है, दोनों को हम इस तरह से
रख चुके हैं। इस तरफ से ये सीधा है, इस तरफ से ये सीधा है, और हम कुछ दूरी जहाँ तक हमें इसमें बटन लगाना है, यानी कि ये चीज़ जो बनाना है, देख रहे हैं आप, ये चीज़ जो बनाना है वहाँ तक का दूरी हम छोड़ लेने के बाद में, और इसे हम इस तरीके से इस कलर का ऊन से दोनों को मिलाते हुए जोड़ लेंगे। तो देखिए अब हमें करना क्या है, ये हम दूरी रखे हैं, अगर आप ऐसे देखेंगी तो हम बित्ता अंगुल के नाप से अगर आपको बतलाते हैं तो देखिए 12 हो गया और ये 2, तो 14 अंगुल हम इस पे रख लिए हैं। यहाँ पे आप ये अपनी इच्छा अनुसार इसकी चौड़ाई रख सकते हैं, ये हमें इतना परफेक्ट लगा इसलिए हम यहाँ पे इतना रख लिए हैं। अब हम इस तरह से लेंगे और देखिए यहाँ हम एक निशान यहाँ रखे हुए थे, तो यहाँ से हम ऊन को जोड़ लेंगे, जोड़ लेने के बाद में बुनते चले जाएंगे, जोड़ कर देखिए एक निशान यहाँ रखे हुए हैं, यहाँ तक लाकर हम कंप्लीट करेंगे। तो अब जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, इस तरह से हम ऊन यहाँ पे जोड़ेंगे सबसे पहले, देखिए इस तरह से, देखिए ये इस तरह से यहाँ पे हम जोड़ दिए। अब एक एक मिलाते हुए हमें यहाँ पे हम फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद यहाँ पे देखिए ये पहला हम ले लिए इस पे इस तरह से, और नीचे का जो है यहाँ भी इस पे हम डाल लिए, दोनों पे हम डाल लिए। अब यहाँ से फंदे को हम इस तरह निकालेंगे, देखिए इस तरह से निकालेंगे और तीनों को एक साथ बुन देंगे, फिर से फंदे लेंगे, फिर अगली चेन पे हम लेंगे और ये भी अगला चेन पे हम लेंगे इस तरह से, इसे तो हम साथ में मिटते चले जा रहे हैं, देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हम इसे पूरी गोलाई में जहाँ तक हम निशान रखे हुए हैं वहाँ तक हम इसे बना लेंगे। तो आपका ये जुट रहा है, देखिए यहाँ पे ये एक चेन यहाँ पे लिए, अब दूसरा चेन हम नीचे से लेंगे इस तरह से, दोनों चेन लिए, दोनों के ये से हम फंदे को इस तरह निकालेंगे और यहाँ पे 2 का 3 का 1 कर लेंगे, फिर अगला हम इसी तरह। तो इसी तरह बस हमें कुछ नहीं करना है, इसी तरह जोड़ते हुए इसे हमें गोलाई में कंप्लीट कर लेना है। ज़्यादा यहाँ पे हम टाइट नहीं रखेंगे, हल्का ढीला ढीला ही बुनेंगे, अगर आप टाइट रखिएगा तो सिकुड़ा ना जाएगा। और देखिए हम यहाँ पे इसे ढीला रखे हुए हैं, काफ़ी ढीला, तो ढीला रखिएगा तो आपको ये कुछ इस तरह का देखने में लगेगा। तो हम ढीला ढीला इस तरह से दोनों को मिलाते हुए, देखिए दोनों को मिलाते हुए जोड़ कर इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो कंप्लीट कर लेंगे और इसका अब हम अगला भाग आप लोगों को इसमें ये चीज़ और ये चीज़ दोनों अगला भाग में यानी पार्ट 2 में हम बतलाएंगे। तब तक चलिए हम लोग इसे गोलाई से यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं बुनकर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।